संसद पहुंच गए, पहली बार संसद में मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मौका अभी मिला नहीं, अभी तो मैं आया हूं। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज बहुत अच्छी रहेगी और ये आवाज हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूं जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुछ लगाया, मैं उनकी आवाज हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके, आम जनता के विरुद्ध में जाके कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो, या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहां से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पे जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल ला के भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहती है उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है, मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। ये सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो सत्ता पक्ष जो है सिर्फ अपने लोकसभा अपने लोकसभा सांसद के बारे में ना सोचे, उनके क्षेत्रों के, तो विपक्ष को जो जहां जीत का है उसके उनके बारे में सोचना है। मेरे जैसे लोग व्यक्ति के क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए, वहां जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने, वहां रोजगार की जो है समस्या उसका निदान हो, वहां बिजली पानी की अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कें अच्छी बने, वहां बाढ़ की समस्या खत्म हो, और जो भी बुनियादी समस्या जीवन में लोगों के हैं, कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए हम सदन में पर्याप्त समय के लिए अध्यक्ष जी से मांग करें। अच्छा, जो लोग आपके विरोधी हैं वो एक समय में कहते थे कि चंद्रशेखर जी की आवाज जातीय राजनीति पर केंद्रित है, लेकिन जो रिजल्ट है उसने तो दिखा दिया, अब जो आपका एजेंडा है वो जाति से ऊपर रहेगा? देखिए, आप फिर वहीं खड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लोग कहते थे, आपने खुद ही स्वीकार किया कि लोगों की बात गलत साबित होगी, आप खुद दोबारा कोई बात कह रहे हैं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जाति के बैरियर में नहीं हूँ, मैं जातिविहीन समाज के लिए की स्थापना के लिए ये मेरे लक्ष्य में भी है और ये एक मजबूत उद्देश्य भी है इस देश को तरक्की करने का। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं हर एक वंचित के साथ हूं, जिसके साथ कोई अन्याय होगा उनकी आवाज उठाएंगे और जो हाशिए पे है उनको बराबर खड़ा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग संघर्ष करेंगे। इसमें अगर जैसे इतना आप कह रहे हैं कि जो कानून बनेगा अगर खामियां होंगी तो आप जरूर बोलेंगे, कुछ अगर ऐसे कदम उठाए जाए जो कि आपको लगेगा कि लोगों के हित में है तो आप सरकार के साथ? देखिए, मैंने आपसे फिर मैंने सरकार की बात ही नहीं है ना, बात कानून की है। कानून अगर अच्छा होगा तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, और कानून अगर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर भेदभाव करेगा तो उसका विरोध होगा। संवैधानिक जो है मर्यादा में रहकर हम लोग उसका विरोध करेंगे और यहां भी करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे। अगर कुछ भी गलत होगा, अगर कुछ अच्छा होगा उसकी समीक्षा होगी, और जो अच्छा होगा उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध होगा।